नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अगली बार हमने देखा दुष्ट मंत्री की सलाह ले रहा है धृतराष्ट्र, ताकि वो दुष्ट सलाह ही देगा। और क्या सलाह दी उसने कि आप शत्रु का जितना हो सके उतना जल्दी वध करना चाहिए। कई बड़े चिन्ह उसने राजा के लिए बताए, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक चीज उसमें बड़ी अच्छी है, मतलब शासक कैसा होना चाहिए कि मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बात करे। कभी भी शासक को पब्लिकली किसी का तिरस्कार या क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से शांति से व्यवहार करना चाहिए, क्रोध का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए अपने दुश्मनों को जानने के लिए। और यहाँ कह रहा है महत्वाकांक्षी राजा को हमेशा उद्यमी रहना चाहिए। उतना ही नहीं, प्रारब्ध और धर्म अर्थ काम का सेवन भी करना चाहिए और सिलेक्टिव रहना चाहिए। अपनी बातचीत अपनी प्रवृत्ति किसी सेवक को पता न चले उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए राजा कब क्या कर रहा है, हो जाने के बाद दिखाना चाहिए। ऐसी उसने सलाह दी। ये सुन के धृतराष्ट्र ने तो मन में निश्चय कर ही लिया पांडवों का अभी विनाश करना है। उतने में दुर्योधन राजा के पास आता है। उसके पहले भीम और अर्जुन का बल की ख्याति, युधिष्ठिर के धर्म की ख्याति, नकुल सहदेव के चरित्र और देश सौंदर्य की ख्याति सुन के यहां वर्णन है, दुर्योधन पर्यतप्यत दुर्मनाः, निरंतर जलता ही रहता था दुर्योधन। और अपने जलने के इतना दूसरे कारण भी था, पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख के सारी प्रजा उनके सद्गुणों की प्रशंसा करती थी। वे कहते थे, प्रजा यहां तक बोलने लगी, गुप्तचरों ने समाचार दिए कि धृतराष्ट्र तो प्रज्ञा चक्षु है तो राजा होने के लायक भी नहीं है, थे भी नहीं, पांडु ने उन्हें बनाया, ये राज्य तो पांडु का है। और जब ही सब बड़े हो गए हैं, युवराज का अभिषेक हो गया है युधिष्ठिर का, तो राज्य दे देना चाहिए। भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञा है, वो पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। युधिष्ठिर उनका शील और स्वभाव से, सत्यवादिता और कर्तव्य निष्ठा से, वेदवेत्ता और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ राजा है, ऐसा जनमत खड़ा हो गया। युधिष्ठिर के बारे में ऐसी चीज सुन के, अर्जुन भीम के बारे में ऐसी चीज सुन के यहाँ आता है, पर्यतपत दुर्मति ही, वो अंदर अंदर जलने लगा। एक बार जब उसने धृतराष्ट्र को अकेले देखा तब कहा कि मैंने पूर्ववासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी है। उनके लिए जो शुभ है वो अपने लिए अशुभ है, कितना स्वार्थी होगा सोच लीजिए। राज्य के लिए शुभ है कि ऐसा राजा मिलना, राज्य के लिए शुभ है कि प्रजा प्रसन्न हो, राज्य के लिए शुभ है कि ऐसा पराक्रमी या बलवान युवराज मिलने, भीमसेन और अर्जुन जैसे। लेकिन कह रहे हैं मैंने बहुत अशुभ बातें सुनी,
और आपका अनादर करके सब प्रजा चाहती है कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। पांडु राजा ने यहां वर्णन है कैसा राजा होगा, उसने न केवल अपने परिचारकों सेवकों की रक्षा की लेकिन उनके कुटुंब के लिए भी योगक्षेम की रक्षा उसने कर दी, ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब सुखी है। और प्रजा यही कहती है कि राज्य उसका अधिकारी है, युधिष्ठिर तो होना है, लेकिन ऐसा जब होगा तो हम परम राज परंपरा में युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तो उनकी ही संतान राजा होगी, और हम राज परंपरा से वंचित होने के कारण प्रजा की अवहेलना के पात्र बनेंगे। उतना ही नहीं, हमें उनका जो दिया हुआ है उससे गुजारा करना पड़ेगा। परपिंडोपजीविना जो दूसरे देंगे वो जैसे बायात होते हैं राजा के, जो दे दिए कि तुम्हारे चार गांव तुम इतने चलाओ, तो ऐसा करना पड़ेगा। और आज अगर पाना है तो हम अवश्य आज ही राज्य को प्राप्त कर लें, फिर लोगों का तो वश में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पिताजी कोई उपाय। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने भी हामी भरी कि मैं कई समय से सोच रहा हूं कि ऐसा ही है। और दुर्योधन वर्णन है ऐसा, उन्हें कहा कि हमने किससे इसकी परिचर्या की है, चर्चा की है। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन, ये चार लोगों ने सोच के रखा था। बोले हमने उपाय, जब राजा ने हां भरी धृतराष्ट्र ने तो दुर्योधन ने उपाय भी बता दिया कि हमने सोचा है। क्या सोचा है? बोले वारणावत में भेज दीजिए, वहां अभी दो चार महीने में, एक साल में, वो 12 साल के बाद शिव जी का उत्सव आ रहा है, उनको बोलो जाओ वहां शिव उत्सव में जाके आओ, थोड़ा घूमो फिरो, वेकेशन पे जाओ फार्म हाउस में, फिर वापस आ जाओ। और जैसे वापस आएंगे तब तक हम प्रजा को अपने वश में कर लें। अच्छा, और मंत्रिमंडल तो हमारे आधीन कर लेंगे, प्रजा को कर लेंगे, ऐसा कह दिया उसने। धृतराष्ट्र के हृदय में गिल्ट है, वो कह रहा है मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही थी, किंतु हम लोगों का अभिप्राय पापपूर्ण है, इसलिए मैं दिल खोल कर कह नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। और मुझे विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, रूपाचार्य, विदुर कोई कुंती पुत्र को यहां से भेजने के लिए सहमत नहीं होगा, और उनको दुखी करने के लिए, दुखी करके हम काम नहीं कर सकते। हम ऐसा विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मन में भाव आता है। और तेरे प्रति आसक्ति है तो मुझे मन में यह भी होता है कि उनको खत्म कर दूं, तुझे राज्य दे दूं। दुर्योधन ने कहा क्या उसकी रीडिंग है, और देखिए भीष्म के चरित्र की मर्यादा समझिए। इतने बड़े महान थे लेकिन कभी कभी जो शास्त्र में लिखा है सर्वत्र अति वर्जयेत, कहीं पे भी कोई भी चीज का अतिरेक नहीं होना चाहिए, अतिवादी हमें नहीं बनना चाहिए। जब अतिवादी बनते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में, प्रतिज्ञाओं का पालन करने में अतिवादी थे। तो दुर्योधन का आकलन था, उन्होंने कहा मध्यस्थ सततम भीष्मो रक्षकश्चैव। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है तो वो तो मध्यस्थ रहेंगे और हमारी गद्दी का रक्षा करेंगे। और द्रोण पुत्रो मई स्थितः, द्रोण का जो पुत्र है वो मेरे पक्ष में है, मई स्थितः, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये सब उसी की सहायता से, उसकी सोच है, उसने हाँ में हाँ भरी, वो डिस्कशन में था, मीटिंग में। यतः पुत्रः ततः द्रोणो भविता न अत्र संशय, जहां पुत्र होगा वहीं द्रोण होगा, और जहां द्रोण होंगे तो स्वाभाविक है, द्रोण तो कृपाचार्य के बहनों ही है, तो जहां बहनों ही होंगे तो वहां साले साहब को जाना पड़ेगा,
चाहे कृपाचार्य की कोई भी मनसा हो, लेकिन द्रोण इतने प्रभावशाली, आग्रही है, तेजस्वी है और बहनोई है। रूपः शरद्वत् चैव यतो एतो ततो भवे, तो वहीं वो जाएंगे और वो अश्वत्थामा को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और वैसे भी विदुर तो आपसे छोटा है, सामदाम दंडभेद की नीति कह रहे हैं, छिपे छिपे वो अपने शत्रु, हमारे शत्रु के स्नेह पास में बधे होने के कारण छिपे छिपे मदद कर रहा है। अकेले में उसकी हिम्मत नहीं है कि पांडवों के हित के लिए हमसे दुश्मनी ठान ले। ये तीन को हम कवर कर लेंगे, सब कथा हो जाएगी। इसलिए आप पूर्व निश्चिंत, पूर्ण निश्चिंत होकर के पांडवों को उनकी माता के साथ वारणाव्रत भेज दीजिए, जिससे और कहे तुरंत ही चले जाए। ये लोग दुर्योधन स्वीकारता है, विनित्र करणम घोरम रुधि शल्यम इव अर्पितम। शल्यम मतलब थॉन, कांटा। हृदयम शल्यम हृदि अर्पितम, मेरे हृदय में ये सब कांटे की तरह चुभते, और मेरे मन में उनके प्रति द्वेष एक जंगल की आग की तरह फैली हुई है, और मेरे आग के कारण हृदय शोकाविष्ट रहता है, चिंतित रहता है। मेरी शोक और चिंता की आग को आप बुझा दीजिए, इनको भेज दीजिए। ऐसी राजरमत होती, मैं अक्सर ऐसे ही कहता था। कभी कभी लोग मुझे कहते थे अगली टर्म में विशेष तक, मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी ये नहीं कर रहे, आपको कहना चाहिए, आपको वो कहना चाहिए। मैं अक्सर कहता था कि शासक को निर्णय करने से पहले जनमत खड़ा कर, पब्लिक को अपने साथ लेनी चाहिए। सत्ता हो लेकिन ये आर्मी नहीं है, जनमत डेमोक्रेसी, तो एक पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना चाहिए, फिर जाके निर्णय होना चाहिए कि पब्लिक डिमांड पे करना। तो ये उन्होंने किया, अपने दूतों द्वारा, स्पाई द्वारा, गुप्तचर द्वारा गांव में हवा फैला दी कि वारणाव्रत में जो मेला होता है अगली शिवरात्रि को, उसे ऐसा मेला कहीं नहीं, देखने जैसा है, सबको जाने जैसा है, बड़ा दिव्य है, उसका पुण्य बहुत है, उसमें वो है, सब फिर निकल पड़ते हैं। जैसे टीवी पे डिबेट चलते हैं, सब आ जाते हैं डेटा बेटा लेके जस्टिफाई करने के लिए। तो ऐसी हवा जब चली तो धीरे से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, तुम लोग तेता यदि मध्यम यदि मन्यध्वम उत्सवम वारणावते सगणा सन्वयाश्चैव विहरद्वम यथामराः। अगर तुम लोग वारणाव्रत का उत्सव मेला देखने जाने चाहता हो तो अपने सब भाई माता के साथ, सेवों के साथ वहां जाओ और वहां देवताओं की तरह घूमो वन में। तुम लोगों ने शास्त्र वास्त्र पढ़ लिए हैं, अभी तो कुछ विशेष काम बाकी नहीं है। ऐसी दशा में राज्य की रक्षा, प्रजा की रक्षा आप युवराज हो तो आपके सर पे ही आने वाली है, तो उसके पहले थोड़ा घूम वेकेशन ले लो। आई एम सेंडिंग यू ऑन पेड वेकेशन, धृतराष्ट्र कह रहा है कंपनी पेड वेकेशन पे जाओ। आप जाइए और वहां जाके ब्राह्मणों को दान दीजिए, सेवकों को दान दीजिए, खूब दान कीजिए, वहां खूब यज्ञ यागादि कीजिए और वहां रहिए आनंद से, थोड़े घूमो फिरो मजा करो। युधिष्ठिर ने कह दिया, शनैः दिनः उवाच इदं वचस्तदा। युधिष्ठिर ने ऐसा कहा दीन भाव से कि जैसे आपकी इच्छा होगी, असहाय है वो तो, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर उस समय में दुर्योधन ने, जब हवा खड़ी चल रही थी, तब एक पुरोचन नामक उसके दूत को बुलाया। राजा लोग अक्सर जिसकी जरूरत होती है उसकी कितने वखान या स्तुति करते, इसको बोले कितने चढ़ाते उसको, कितना सम्मान देते, ये आदमी फुला ना समाए, वो ऐसा मानने लग जाए कि मैं ही सबसे प्रिय हूं इस राजा के लिए। और पुरोचन को बुलाया और कहा, उन्होंने कहा क्या कहा, उसका दाहिना हाथ पकड़ा, दुर्योधन परम हर्ष अगच्छत दुरात्मा, दुरात्मा दुर्योधन परम हर्ष में आके
रोहित्वा दक्षिणेय पाणौ सचिवम वाक्यम अब्रवीत, उसका दाहिना हाथ पकड़ के बोला मम इयम वसुः संपूर्णा पुरोचन वसुंधरा यथा इयम मम तद्वते सह ताम रक्षितुम। ये पूरी पृथ्वी धन धान्य से भरी पृथ्वी, संपत्ति से भरी पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे तुम्हारी भी है, एक सेवक को कह रहा है राजा। और उसकी रक्षा जैसे मुझे करनी चाहिए ऐसे आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करो। यथा यम मम तद्वते ते सह ताम रक्षितुम अर्हसि, तुझे भी रक्षा करनी चाहिए और पूरी राज्य में तेरे जैसा विश्वास पात्र मेरा कोई नहीं। कश्चिद् अन्यो अस्ति विश्वासिकतरस्त्वया, विश्वास करने योग्य तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा मेरी सहाय करने वाला कोई नहीं है। और गुप्त बात तो मैं सिर्फ तुझे ही कह सकता हूं, इसलिए आप रक्षण करिए और मेरी बात ध्यान से सुने। और मैं जो कहूं किसी के सामने प्रकट मत करो और वो करो, स्वाभाविक है। पुरंदर पुरंजन इतनी स्तुति जब राजा कह रहा है, पुरोचन दुर्योधन इतना कह रहा है तो खुला ना समाया। उसने कहा अरे आप चिंता मत करो राजन, प्राण आपके लिए हाजिर है और आप मैं दाहिने कान से सुनूंगा तो बाएं कान को भी पता नहीं चलेगा। मैं निश्चिंत रहिए, आपको प्रिय होगा वह मैं करके दिखाऊंगा। बस दुर्योधन ने कहा ऐसा लाक्षागुरु बना दो, उसकी सब दीवारें जलन चीज ज्वलनशील पदार्थों से भरी हुई हो, ऐसी दीवारें उसमें चर्बी रखो, मांस रखो, लकड़ी रखो, सूखी घास रखो, लामीन रखो, सब रख दो और महल बन जाए। फिर पांडवों को वहां ले जाओ और चिपड़ी चिपड़ी बातें करके तुम इसकी रक्षा और सेवा में रहना, ऐसी व्यवस्था करना, पैसे की चिंता मत करो, तुम भी मौज करो उनके साथ और ऐसी व्यवस्था करो कि सबके सब खुश हो जाए। सब बोले अभी तो हवा ऐसी चली है कि धृतराष्ट्र ने राजा ने निकाल दिया, लेकिन सब बोले नहीं राजा ने निकाला लेकिन अच्छा किया, उनके सुख के लिए निकाला, ऐसे भाव प्रजा में आए ऐसा तुम करो। सतथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचन, ठीक है ऐसा ही होगा कहके प्रयाद रास भयुक्ते न स्यंदने न अशुभगामिनः, इसलिए खच्चर आदि घोड़ो लेके आरूढ़ हो गए बाला शीघ्र और महल की तैयारी में लग गया, फार्म हाउस की तैयारी में लग गया। राजा ने ऐसी बात करो वहां जाके कि राजा धृतराष्ट्र ने सिर्फ और सिर्फ पांडवों के लिए महल बनवाया, बाद में कोई आए ना आए लेकिन राजा को इतना प्यार है, युधिष्ठिर के प्रति इतनी चिंता है कि अभी तो राज्य का शासन जब करने लगेंगे तब समय नहीं मिलेगा, इसलिए उनको वैकेशन पे भेजा। प्रजा समझ गई, प्रजा में इतना दुख था, सब पांडवों के मुंह की दशा से समझ गए। प्रजा में ये बात होने लगी कि मंदबुद्धि दुर्बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र कुटुंब के ज्येष्ठ होने पर भी पांडवों के प्रति समदृष्टि नहीं रखते, मामकाफ पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय, उनके प्रति विषमता का भाव रख रहे हैं। पांडवों की ऐसी दशा देख के हमें बड़ी दुख होता है। निष्पाप अंतकरण वाले युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन कभी, हम जानते हैं वो कभी पाप से प्रीति नहीं करे, वो पापम रोचयिष्यति, मतलब दे वुड नेवर लाइक टू डू एनीथिंग रॉन्ग। और भीम कैसे अनुमति दे रहे हैं ऐसे पापी कर्म के लिए, सहमति दे रहे हैं, हम लोग भी नहीं चाहते, हम चलो गढ़ छोड़कर वही नगर बसा लें जहां राजा जा रहे हैं, हमारे राजा युधिष्ठिर जहां जा रहे हैं वहीं हम चले जाए। ऐसी बातें प्रजा में होने लगी कि पहले संत राजा महाराज पांडु हमारे पूरे कुल को आनंदित कर रहे थे,
ऐसे ही उससे बढ़कर युधिष्ठिर होने तो 5 है जो हमें आनंदित करेंगे, और पिता जैसे है हमारे सबके, और निशंकल करके हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए, इससे संकल्प करके प्रजा चलने लगे। पांडव के साथ चल दिए, युधिष्ठिर ने सबको समझाया बुझाया, आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, और हमें हमारा हितकारी होगा वही हम करेंगे। मेरे लिए धृतराष्ट्र की आज्ञा पिता की आज्ञा के बराबर, उससे मैं कभी विचलित नहीं होगा, इसलिए आप आशा छोड़ दीजिए और चल पड़े। तब जाके विदुर जी छोड़ने आए थे, विदुर जी ने युधिष्ठिर को थोड़ा दूर लेके अकेले में चल के म्लेच्छ भाषा में संदेश दिया। युधिष्ठिर ऐसी भाषा, अरे विदुर जी ऐसी भाषा बोल रहे थे कि कोई समझ ना पाए, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर को सिखाई हुई थी, इसलिए युधिष्ठिर से जो कहने योग्य बातें थी वो उस भाषा में कह दी, और उस भाषा को जो न जानते हैं अनभिज्ञ, किसी को पता नहीं चला, क्या कहा कि जो योद्धा जो राजा शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि रखता है, वह समझ लेने पर ऐसा राजा को नीति के अनुकूल उपाय करना चाहिए ताकि शत्रु जनत कपट नीति से राजा बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का नहीं बना है, किसी भूमि के पेड़ का किसी का नहीं बना है, परंतु शरीर को अत्यंत पीड़ा देके नष्ट कर देता, ऐसा जानता है, ऐसा हम जनता मानती है, वो शस्त्र अगर बलवान हो जाए तो उससे कोई बच नहीं सकता, और जो बुद्धिमान मनुष्य उसके सामने पहले से ही उपाय ढूंढ ले तो कंपनी कुछ कोई उससे वो शस्त्र उसे कुछ नहीं कर सकता। जंगल में सूखे घास फूस इतनी लकड़ी वाला वन हो, बड़ा वन दावा अपनी जला हो, लेकिन चूहे सांप और नेवले इत्यादि पशु पक्षी इत्यादि जीव जो होते हैं वो बिल में अंदर रहते हैं जमीन में, ताकि दावाग्नि होने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। राजा को भी ऐसे उपाय सोचने चाहिए, और जहां आंखें न हो, मार्ग जानता नान न पड़ता हो, उस दिशाओं का ज्ञान न हो, तो धैर्य अगर खो देते हैं तो सद्बुद्धि और विवेक बुद्धि चली जाती है, और उस समय धैर्य रख के दिशा ना मिले तो नक्षत्रों का ज्ञान करके हमें चलना चाहिए, और चूहे सांप की तरह बिल में घुसकर बच जाना चाहिए, नक्षत्रों से दिशा समझ के चलने जाए। कुछ समझ में आया? तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया, बस ऐसा मैसेज दे दिया। विदुर जी विदा लेके चले गए, कुंती जी को प्रणाम करके नमस्कार कर। कुंती ने कहा कि मैंने बीच में सुना, तू तो मेरे पास था, बड़ा पुत्र होने के कारण माँ के साथ था, कुछ म्लेच्छ भाषा में उसने बात की और तू इतना बोला कि मैं समझ गया, तो क्या बात? इसलिए मैं इतना तो समझ गई कि मैं या कोई दूसरा आदमी जो उन्होंने कहा, विदुर जी ने समझ न सके, इसलिए ही उस उन्होंने म्लेच्छ भाषा में बात की, तो मुझे तू बता क्या कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं ये समझा माँ, उन्होंने कहा तुम जिस घर में रहोगे उस वर्णाव्रत में, उस घर में आग का भय है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, वहां से निकलने का कोई मार्ग न हो न रहे उससे पहले तुम्हें सभी मार्गों से परिचित हो जाना चाहिए, और यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रख के पहले से जागृत होकर करोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करोगे, और मुझे विश्वास है तुम कर पाओगे, बस। और उसमें मैंने हाँ भरी। कुंती बोले ठीक है। वहां नगर के निकट पहुंचे, पांडवों के संस्कार कैसे, वहां गए,
सब लोगों ने, जय जय छोटा सा गांव, वहां राजा लोग के पुत्र और जिनकी ख्याति उन्होंने सुनी थी, गांव लोगों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इनके दर्शन प्राप्त हो गए। सुना था देव तुल्य है, पवित्र है, बड़ा है, दिखावे में भी महान है, चरित्र से महान है, उनके साथ जीने का मौका मिलेगा अपने नगर में, तो पूरा गांव स्वागत के लिए आ गया। वर्णन है नगर के बाहर सबने सम्मान किया, ब्राह्मणों ने पूजा के स्वस्ति वचन करके आशीर्वाद दिए। पांचों पांडव और कुंती माँ एक एक ब्राह्मण को नमस्कार किया, क्षत्रियों से अभिवादन किया, सभी वर्णों से अभिवादन किया, और सबसे पहले ब्राह्मणों के घर में भिक्षा ली, वहां रहे। गांव के जो कुलश्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनके वहां रहे थोड़े दिन, उतने में वो महल तैयार हो गया था। ये नाम रखा था उसको, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भगवान शंकर का मेला था, नाम रखा था शिव भवन। शिव शब्द का अर्थ है मंगलकारी, शिव शंकरोति, संकल्याणम करोति इति शंकर, जो हमारा कल्याण करते वो शंकर है। मनुष्य का कल्याण मोक्ष से, अर्थ काम से नहीं, मनुष्य का कल्याण धर्म से नहीं है, मनुष्य का आखिरी कल्याण मोक्ष है। भगवान शिव की उपासना करोगे तो धर्म में निष्ठा आएगी, नैतिकता में निष्ठा आएगी, कर्तव्य में निष्ठा आएगी, और जब उन्हीं की कृपा से गुरु की प्राप्ति होगी, और जब सुयोग्य गुरु प्राप्त होते हैं तो गुरु गुरु की व्याख्या ही है, अज्ञान निवर्तकत्वात् गुरु इत्युच्यते, वो अपने शिष्य के अज्ञान दूर करने के लिए उसको आग्रह पूर्वक पढ़ाएंगे। ये शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शंकर के भक्त दरिद्र होते, ये सब गलत है। शंकर जी के भक्त सबसे धनी है, क्या धन है, इधर का धन। धनवान वो है जो किसी से न मांगे, भिक्षुक वो है जो मांगता रहे। शंकर के भक्त अंदर से इतने संतुष्ट होते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। जो मीरा जी का भजन है ना, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, एक दिन है मेवा पानी, एक दिन फाकम फाका जी, फिर भी मगन में रहना, वो ताकत है। देखिए, आपके पास पैसा हो या ना हो, यश हो या ना हो, आपके पास सत्ता हो या ना हो, लेकिन आप अंदर से अमीर होने चाहिए। आपकी याचक वृत्ति, तृष्णा वृत्ति, आपकी अधूरक वो नहीं होनी चाहिए। भगवान की कृपा ऐसी होती है, उसको शंकर का कल्याण करते हैं, शुभ करते हैं। लेकिन ये तो यहाँ लिखा है नाम था मंगल भवन, लेकिन असल में था शिव भवन नहीं था, अशिव भवन था। जब वहां गए, एक दिन हुआ, एक दो दिन, युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को बुला के ऐसा नहीं कहा कि विदुर जी ने कहा है, अपनी शंका व्यक्त कर, मुझे ये भवन आग भड़काने वाली चीजों से बना हुआ ऐसा लग रहा है। भीमसेन, शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवाले घी से, तेल से, चर्बी से, लाक्ष से, लकड़ी से, सूखे घास से बनी हुई लगती है, अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है, उद्दीपक पदार्थों से हुआ है, इसलिए मंद बुद्धि पापी पुरोचन, वो दुर्योधन का सचिव दूत है, वो उसकी आज्ञा के ही अधीन रहेगा, ये लग रहा है हमसे ज्यादा प्यार कर रहा है। कोई आदमी जरा नम्रता का अतिरेक दिखाए, प्यार का अतिरेक दिखाए, सेवा का अतिरेक दिखाए, तो समझ लेना कोई पीछे गड़बड़ है। ऐसा अक्सर नहीं होता है। तो हमें तो बहुत अनुभव है, कई लोग आ जाते हैं हमारे, अरे स्वामी जी आप बड़े महान है, आप वो है वो है, ऐसे चलाएंगे एक दो दिन, मुझे समझ में आ जाए, धीरे से कोई काम निकालेगा, इसको जरा पार्टी में बोल देना है,
मोदी जी को इस कॉन्ट्रैक्ट का बोल दो, घंटे घंटे दो घंटे में आ जाएंगे, कहीं से परिचय वाले को लेके आ जाएंगे और कहेंगे आप तो कितना काम कर रहे हैं। आप वहां तक बोल देते हैं कि आप नहीं होते तो मोदी जी सरकार नहीं चला सकती जैसे मैं सब विषय में उसकी जगह देता हूँ, कुछ ना कुछ बोल लेंगे, उसको चाहिए काम, फिर धीरे से बोलेंगे अपना जरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसको जरा पार्टी में वो हम कहीं हमारे पोजीशन पार्टी में जरा वो करवा दीजिएगा। युधिष्ठिर समझिए पुरोचन वही था, बोले इसलिए वो है। और आखिर में बोल भी दिए, पहले सब बोला, सबने लगा भैया ने शंका की, चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि विदुर जी हमारे चाचा हमारी रक्षा में हैं, हमारे छोटे पिता समान हैं, उन्होंने स्नेहवश करके मुझे आशीष दी है कि अमंगलकारी भवन में कभी तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, ये सब कुछ समझा दिया है, लेकिन आप सोचो क्या करना। जब ऐसा कहा भीमसेन ने कहा कि आप मानते हो कि उद्दीप्त होने वाली चीजों से मकान बना हुआ है, तो हम चले जाए वो ब्राह्मण के वहां जहां रहते थे उस घर में। तो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे तो शंका हो जाए, तो यहीं रहें, लेकिन छूटने के लिए मार्ग निश्चित कर ले हम, और ऐसा करना ही मुझे अच्छा लगता है। और हम ऐसा व्यवहार करें कि पुरोचन को ऐसा लगे कि सबसे विश्वसनीय हम उनको मान रहे, बड़े प्रेम से रहे, कुछ न बताए। बस औरों ने कुछ सिद्धि के लिए किया है, वो लोग हम वहीं चले जाएंगे तो हमें मारना आसान होगा, हम यहाँ कम से कम रक्षित तो है, जनता में कुछ भेज देंगे, कुछ कर देंगे वो, इसलिए तो हम शोध करें रास्ता निकाल। रोज बरोज वो लोग पुरोचन को लेके मृगया खेलने जाते थे, ये तय करने के लिए कि महल से निकल के किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है। और उन्होंने वहां घूमते रहते थे, बहुत से रास्ते उनको मार्ग में ज्ञात हो गए। और थोड़े समय बाद एक खोदने वाला खनन करने वाला विदुर जी ने भेजा, वो आदमी आया और उसने कहा कि मुझे विदुर जी ने भेजा है, मैं पांडवों का प्रिय करने वाला हूँ। उन्होंने कहा मेरा भी और पांडवों का हित संपादन करो, लेकिन जो विदुर जी ने प्रमाणित करने के लिए आपके और विदुर जी के अकेले में जो बात हुई थी वो भी म्लेच्छ भाषण में हुई थी, मैं आपको सुना के देता हूँ। विदुर जी ने मुझे खुद सुनाई है, वो कहा और आपने तथास्तु कहकर स्वीकार किया था, अब बताओ मैं कह रहा हूँ। युधिष्ठिर ने उसका आदर किया कि तुम ईमानदार विश्वसनीय हो, मैं जानता हूं कि विदुर जी के प्रति आपकी निष्ठा अविचल है और इसीलिए हमारे प्रति भी है, हमारे कोई आप विदुर जी को हमारे लिए तो पिता है, वही हमारे रक्षक है, इसलिए हम विदुर जी के ही पालन में बड़े हो रहे हैं। पापी दुर्योधन के पास सत्ता है, सहा है कि दुरात्मा है, अभी हम वीक हैं तो हमारे लिए रास्ता करो। उसने महल के बाहर खुदाई कर रखी थी, जो खाई जने के ना अपने कोई ना से पानी भर रखा, वो आदमी उस खाई को साफ करने बहाने सेवा में लग गया और उसने खुदान कर दी। दिन भर पांडव लोग विरोचन को ले जाके वन में घूमते थे, दिन भर वो अपना काम करने लगा, एक साल तक निवास किया और पुरोचन उसका मान लगा कि मैं उनका दोस्त, ये लोग भी ऐसा व्यवहार करके उसको दिशा विश्वास देने लगे, तू हमारा ही सही सचिव है, उसको पूछ पूछ के करते थे। और एक दिन की बात है, जब विदुर जी ने संदेश दिया था चौदश के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के पहले फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये जलाने वाला है, हफ्ते की बार थी, तो कुंती ने सोचा चलो पुण्य कर ले, तो उसने ब्रह्म भोजन करवाया, गांव लोगों को भोजन करवाया, सबको बुलाया। उसमें वर्णन आता है,
दैव वशा यदृच्छया एक बिलनी आ गई पांच संतानों के साथ, और भोजन तो किया लेकिन बड़ा दारू पिया उसे, और उसके बेटे ने भी दारू पी, गाली गलौज करने लगे। तो उन्होंने एक बार एक कमरे में बंद कर दिया पांचों और सो गए भाई। अभी चतुर्दशी की देश थी तो भीम ने कहा कि भाई देखो उसके हमारे पे वार करने से पहले हम ही उसको वार करके मार डाल, साक्षी ना रहे। वो खदान करने वाले को बुलाया, देख लिया सब, तो देखा तो था ही, उसको कहा कि तुम उसको ढक देना हम निकल जाए। तब उसने कहा ठीक है, और भीमसेन ने चारों ओर आग लगा ली और नीचे से निकल जो खाई बनाई थी उन्होंने वो अंडरग्राउंड पाथ, उसमें से निकल रहे हैं। भीमसेन वर्णन है इतने बलवान थे, दोनों भाई और कुंती को उठा के चल दी वो सीधी सुरंग जंगल में, घने जंगल में निकली। वहां से गंगा जी का मार्ग उनको पता था, वहां चले गए। तब वहां चले गए तो एक नाव उनको दिखाई पड़ी, नाव वायु के वेग के समान जाने वाली थी, बड़ी सुशोभित थी, किसी के स्वागत में खड़ी वैसी लगी थी। जैसे वो आए एकदम उसका मुखिया आया और उसने भी कहा युधिष्ठिर जी विदुर जी से आपकी जो बात हुई थी वही मैं कहता हूँ, विदुर जी ने ही मुझे भेजा, प्रमाण दिया, उसने बात बताई, और आप सीधे गंगा को पार करके वो जंगल चले जाओ, उस जंगल में पहुंच जाओ ताकि आपको कोई देख न सके, आपको मार न सके। अकेले जान के दुर्योधन योग्य, विदुर जी ने कहा है कि योग्य समय पे तुम्हें बुला ले, अभी युद्ध होगा या तो कपट से मारे जाओगे, जब तक छिपे रहना, आपका कभी कल्याण कभी अहित नहीं होने वाला है। और उन्होंने कहा है कि मैं मनोमन मत्था सूंघ के आशीर्वाद दे रहा हूं, शांत चित्त होकर कुशलता पूर्वक मार के आगे बढ़ो, व्यास जी ने कहा है तुम्हारा कल्याण होने वाला। गुरु जी का ऐसा संदेश सुन के उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ गया, अभी तो हम जा सकते हैं। और इस बाजू धीरे से समाचार आए, रुद्रास ने शोक प्रकट किया, आय हाय कुंती बिचारी मर गई, पांडु के बेटे मर गए, मेरे संतान थे, कुल का यश वृद्ध बढ़ाने वाले थे, पांडु जैसा ही था, क्या अर्जुन क्या भीम, सबको बोल बोल के शोक करने लगे और कहा कि जोर उसके यथा योग्य करना है वो जाके करो, वहां उनको अग्निदाह दो। जाके गए और जहां वो गए सही राजोपचार के साथ अग्निदाह करने के लिए भेजे, और सब पांडव भीम भीष्म जी रुद्रास सब गंगा नदी के किनारे आए उनको जलांजलि देने के। तब भीम अरे भीष्म जी के मुंह से ये बात निकली, विदुर जी खड़े थे बगल में, तो बोले विदुर मेरी ये समझ में नहीं आता है क्या भीम और अर्जुन उत्साह शून्य निराश हो गए थे क्या? भीम तो इतना बलवान था कि जोर से धक्का दे दीवार टूट जाए, वो तो अभी नया नया बना हुआ महल था तो तोड़ क्यों नहीं सके, उससे बाहर क्यों निकल नहीं पाए। मेरे मरे मन में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि कुंती जैसी पतिव्रता स्त्री का मौत, उसका मृत्यु हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, और सचमुच उनकी मृत्यु हो गई है तो बहुत बुरी बात। और जन्म के समय तो देवताओं ने आशीर्वाद दिए थे, ऐसा सुना है, चक्रवर्ती बनेंगे, यश फैलेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद थे, ज्योतिषियों ने कहा था कि इतना लंबा आयु, लेकिन हुआ कैसे? मेरे मन में ये मेरे मन में असमंजस है, शंका हो रही है कैसे हुआ, सचमुच हुआ है, अभी तक मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं। सच में युधिष्ठिर काल के अधीन हो गए, कभी कभी तो युधिष्ठिर इतने धर्मनिष्ठ थे तो मुझे लगता था कि मेरे आदर्श समान, इतने छोटे होने पर भी ये धर्म शिरोमणि कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर कैसे मर सकते हैं? अभी अभी तो युवराज पर अभिषिक्त हुए थे, सत्य और धर्मपूर्ण वर्ताव द्वारा उनके पिता से ज्यादा ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली,
युवराज पद पर, राजा बनने की तो बात बाद में, और उनका इतना धर्म होने पर भी कैसे मर गए मैं समझ में नहीं आता। कुंती को बेचारी को दाम्पत्य सुख न मिला, न पुत्र सुख मिला, न जीवन सुख मिला, कैसे मर गई। और भीम क्या उसकी बाहु थी, पाताल लोक में भी जिंदा आ गया, कई बार झर दिया तो भी पचा, उसने पचा दिया, ये कैसे मर गया मुझे समझ में नहीं आया। अर्जुन का पराक्रम तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जैसा था, क्या उसके पास गांडीव धनुष नहीं था, एक मंत्र बोल के वरुणास्त्र कर दिया, सब आग बुझ जाती, यहां बारिश कर सकता था, ऐसे कैसे हो सकता है। सब उनके पांचों कुंवर के जन्म में सब पूरा वन में ऋषि मुनि प्रसन्न हुए थे, तपस्वियों के आशीर्वाद से कैसा हुआ करके बेचारे रोने लगे। मैं मानता नहीं, मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। विदुर जी ने थोड़ा दूर बुला के कहा, अभी जलांजलि छोड़ दो, अंजलि मत दो, वो सब जिंदा है। भीष्म की आंख से आंसू निकल पड़े, उनको इतने प्यार था, कैसे जिंदा है। बोले, पांडु के मृत्यु नहीं हुई, उस अवसर पर जो उचित कार्य करना था वो मैंने पहले से ही करके रखा है, और भीष्म जी उसे हाथ पकड़ के ले गए, तो उसे बेटा बताओ क्या हुआ। विदुर जी ने सभी कहानी बताई और कहा कि गंगा जी के परली पार वन में वो पहुंच गए। धृतराष्ट्र, शकुनी, अश्वत्थामा और ये सबका पक्का विचार हो गया, दुर्योधन पांडव मर चुके, तो अपने मन में खुश होने लगे और सांत्वन देने लगे प्रजा को, मन में शोक न करो, उन्होंने मरने से पहले खूब शौक धर्म किया है, पुण्य किया है, गति ऊर्ध्व होगी वगैरह, बड़े चिपड़ी चिपड़ी बातें करने लगे और ज्यादा दान करने लगे दिखावे के लिए, पांडवों के लिए उनको पुण्य मिले। उस समय भीम भी थके थे, जंगल में गए, निंद्रा नहीं आई थी इनके लिए और सब थके। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन अभी आप भी थके हो, हम भी थके हो, बैठो यहाँ। जब वहां उतरे, दूसरे दिन आगे चले, संध्या होते एक भयंकर वन में पहुंचे, जहां वृक्ष भी कम थे, पक्षी भी कम थे, हिंसक पक्षी या पशु ज्यादा थे, और बेचारे समय नहीं था, खान भी थी, तो वहीं बैठ गए वन में ही। उतने में आगे जा ही ना सके, कुंती जी के मन में इच्छा हुई पानी पीना, प्यास लगी, तो भीमसेन जरा महाकाय था, देखा दूर ऐसे पीपल का पेड़ है, पक्षी की आवाज आ रही, मतलब वहां कुछ पानी होगा, पक्षी ज्यादा वहीं होते जहां पानी होता है, खाना पीना होता है, तो मैं लेके आता हूं। सबके सब थके थे तो सब बैठे हैं, भीम पानी लेने गया, पानी देख के उसने एक डुबकी लगा लो, अपनी थकान तो उतर जाए, थकान उतार दी, गायत्री मंत्र में संध्या छोटी सी कर ली, पानी लेके आया, तब छह पांच चार पांडव और कुंती माँ सब सो गए, वो भी थका हुआ था, सोने की सोच रहा था, फिर विचार आया कि ये महाघोर जंगल है, हिंसक पशु, चलो मैं ही यहां जागते हुए बैठता, बड़ा भीम का संताप यहाँ पे, उनको देख के उसको बड़ा दुख होता है, ये वसुदेव की साक्षात बहन मेरी माँ, जन्म से गोद ली गई कुंती भोज राजा की, लेकिन ये भगवान कृष्ण की बवा है। वसुदेव कितने पवित्र है, महाराज दो दो राजाओं की कन्या है, और उसका चरित्र उसके शुभ लक्षण से बचपन से ही दुर्वासा जैसे ऋषि को उसने प्रसन्न किया, चरित्र से आज चारों दिशा में ख्याति है कुंती के चरित्र की, और ऐसे कुल की पुत्र वधु आज भी वर्णन है, कितनी अंग कांति है मेरी माँ, कितनी तेजस्वी दिख रही है, उसके अंग कितने कोमल है, इतनी बुजुर्ग होने पर भी वो मेरी माँ, पवित्र माँ, कोमल माँ आज भूमि पर सो रही है, उसके आंख में से आंसू निकले। कौन सी माँ है जिन्होंने धर्मराज
इंद्रदेव, वायुदेव वगैरह से हम जैसे संतान प्राप्त की। और मेरे जीवन में इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकती है कि जब मैं इसी मां को जमीन पर सोया हुआ देखूं। युधिष्ठिर के बारे में कहता है, इतने नित्य धर्म परायण है सत्यवादी, वे तीनों लोक के राज्य के अधिकारी है, बेचारे साधारण मनुष्य की समुद्र नीचे पड़े हुए। अर्जुन को देख के और शोक हुआ, उसका पराक्रम याद आया, नकुल सदैव बड़े शोक से अन्विष्ट। लेकिन उन्होंने कहा, भीम के मुंह से एक अच्छी सुभाषित निकलती, येषां च बहवः शूराः ज्ञातयो धर्ममाश्रिताः ते जीवन्ति सुखं लोके भवन्ति न निरामय च निरामय। बोले मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्यों? जिसके सुहृद भाई बांधु धर्म परायण है, सत्य परायण है, वह आदमी के जीवन में सुख ही लिखा होता है। विषय सुख हो या ना हो, लेकिन अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने स्वजन और गुरुजन समर्थ हो, धर्मनिष्ठ हो, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? और उतना ही नहीं, एक पीपल का वृक्ष होता है, जैसे यहाँ है इतने घने जंगल में, कितने को सहाय देता है। बस ये बांधव, धर्मानुकारी बांधव, ये पीपल वृक्ष जैसे है। और हमने शास्त्र में पढ़ा है, जिनके स्वजन ऐसे होते हैं बड़े पुण्यात्मा होते। मैं सच में पुण्यात्मा हूं, और वो लोग के जीवन में रोग नहीं होते, निरामया जीवंती, और रोग रहित जीते हैं। इसलिए मैं छोड़ देना चाहिए जो है सो प्रारब्ध में भोग ले के साथ। ऐसा कहके भीम ने अपने मन को मना लिया। वैसे बैठे 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 फिर धृतराष्ट्र को कोसने लगे, दुर्योधन को कोसने लगे, दुर्बुद्धि अल्प दृष्टि, निश्चय ही तेरा प्रारब्ध बलवान है इसलिए आज तू कर रहा है, लेकिन मैं तुझे एक दिन दिखाऊंगा। ऐसे करके हाथ घसीटने लगे, लंबी सांस लेने लगा, बड़े गुस्से में। उस समय उसी वन में एक नरभक्षी राक्षस हिडंब नामक रहता था। उसको पता चल गया, बास आई कि मनुष्य आए हैं, सो रहे हैं, क्योंकि भीमसेन की गर्म श्वास से उसको सुगंध आ गई। तो उसने अपनी बहन से कहा, हिडंबा को, कि जरा बहन देखो वहां कोई है, मेरा कब से मेरा मन तलस रहा था कि कभी गर्म मनुष्य का गर्म खून पीऊं, लहू खाऊं, मांस खाऊं, और जरा ज्यादा लगते हैं, क्योंकि भीमसेन भी बड़ा था और पांच लोग भी पास आ रहे थे। आज तो 15-20 दिन का भोजन मिल जाएगा, और तुम सबको मार कर मेरे पास ले आओ, और बैठकर हम दोनों मनुष्य के मांस को नोच नोच कर खाएंगे। भक्षित्वा च मांसानि मानुषाणां प्रकामतः, फिर मजा करेंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, खा के हम नाचेंगे। नृत्यावह सहितावा दत्ता लवन अजेकश, हम साथ में नाच करेंगे और नृत्य इच्छा अनुसार मांस का खान भक्षण करेंगे। वहां हिडंबा जैसे आई, दूर से ऐसे देखा, उतावली होके वहां गई, उसको भी भूख लगी थी, सबसे पहले सबको सोते हुए देखा, दूर देखा तो भीम बैठा है। तो दृष्टैव भीमसेनं सा शालपोतम इव अद्भुतम राक्षसी कामयामास रूपेण अप्रतिमं भूई। भीमसेन को देखकर क्या हुआ, बड़ा तेजस्वी भीमसेन दिख रहा था, तो उसके देख के राक्षसी कामयामास, उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके मन में भीम की इच्छा हो गई। अयम महाबाहु सिंहस्कंधो महाद्युति, बड़े हाथ वाला, उसकी कंधे सिंह जैसे दिख रहे, बाहु इसकी बड़ी है, उसकी द्युति मुंह से कांति है अंधेरे में, कंबुक ग्रीव, उसकी गर्दन बड़ी पतली है, पुष्कराक्ष और भरता युक्तो भवेन, आंख बड़े कमल जैसी है, ये तो मेरा पति होने लायक है।
सबसे पहला विचार, इसको आज की भाषा में कहें ना फर्स्ट साइट लव। शास्त्र में व्यास जी लिखते हैं कि वो कह रही है कि नारी के हृदय में जब वो किसी पुरुष को पति के रूप में वरण कर लेती है, तब वो स्त्री अपने माता पिता बांधव सबका प्रेम को सौहार्द को छोड़ देती और पति के साथ चली जाती। और ऐसे ही आज भी हम देखते हैं, तो उसने कहा कि मेरे भाई की बात क्रूरता भरी है, उसका कभी पालन नहीं करूंगा, सबको भाई की बात को पालन करूंगा, सबको मारने से एक दिन की भूख मिटेगी, हफ्ते भर सुख रहेगा, लेकिन जब इसके साथ शादी हो जाएगी तो जिंदगी भर सुख रहेगा। बड़ी प्रभावशाली थी, इच्छाधारी भी थी और वेग आकाश से उड़ने वाली राक्षसी। उसने मनोहर रूप सुंदरी का रूप धारण कर लिया और भीमसेन के जाकर खड़ी हो गई और पूछा कि हे पुरुष रत्न। देखिए उस जमाने में महाभारत में हमने कई बार देखा है, दुर्योधन हो धृतराष्ट्र हो, खुले मन से बात कर लेते, मन में छिपाना जो दुरात्मा का लक्षण है ना, मनसी एकम वचसी एकम नामक एक बड़ा नरभक्षी राक्षस रहता है और वो रहता है और वो आप लोगों की मांस खाना चाहता है, और तुम देव कुमार हो, मैं उस धर्म की बहन हूं, और कह देती है आपको देखकर मुझे आपको पति बनाने चाहता हूं, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं आपको विश्वास देती हूं उस राक्षस से और सबको, सबसे मैं आपकी रक्षा करूंगी, अरे आप चलो मेरे साथ, हम दोनों भाग सके। पहले तो वो ऑफर आती है भीम को, यू नो मैं अंतरिक्ष में जा सकती उड़ सकती हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं पकड़ लो मुझे, मैं उठा के ले जाती। भीमसेन ने कहा ये राक्षसी एस ज्येष्ठो मम भ्राता मान्य परम को गुरु, ये मेरे सबसे बड़े भाई है, मेरे सबसे आदरणीय है और मेरे गुरु समान है, और मेरे सोए हुए बंधुओं को छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए मैं नहीं जा सकता, मर जाऊंगा तो भी उनके साथ ही रहूंगा। राक्षसी ने कहा ठीक है आप सबको ले लो, मैं चली जाऊंगी। बोले नहीं हम नहीं जाना है। भीम कहते मैं उनसे नींद में नहीं जगाना चाहता, जैसी मैं तो आपकी सेविका हूं, मैंने आपको समर्पित कर दिया, आप कहो मैं करूंगी, मैं क्या करूं, तो बस आप बैठी रहो। तो वो कहती है आप जानते नहीं हो राक्षसों का पराक्रम होता है, मानव हारते हुए मैंने देखे। भीम बोले तू मुझे नहीं जानती है, यक्ष किन्नर देव गंधर्व डरते, देख अभी मेरा पराक्रम, तू चुपचाप बैठ दे और तेरे से रहा नहीं जाए, तेरे भाई को बुलाओ, जाओ बुला रहा है तो ये डायलॉग चल रहा था, वो आया भैरम, वो बहन नहीं आई तो ढूंढने आया, देखा कि वो तो सुकन्या के रूप में बैठी है, समझ गया बड़ा गुस्सा आया उसको, ये तू क्या कर रही है, अपने कुल के लिए कलंक है, ये पुरुष से ब्याह करना चाहती, आज मैं तुझे और इन सबको खा जा। भीम ने कहा भैया खाने की बात छोड़ो, प्राण बचाने हो तो भागो यहाँ से। डायलॉग अच्छे हैं दोनों के, हिंदी फिल्म जैसे हैं, ये विलन और हीरो की तरह सब डायलॉग है और वर्णन है। मारने आया तो भीम ने सीधा उसका हाथ पकड़ के घसीट के दूर ले गया, बोले चुप यहाँ नहीं लड़ना है, लड़ना दूर है, मेरी माँ और मेरे भाई सो रहे हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, ऐसा करके ले गया।
फिर वहां युद्ध का बड़ा वर्णन है, कोलाहल हुआ, सब जग गए और कुंती ने उसको देखा। बाल लंबे बाल है, अत्यंत रूपवानी है, वस्त्र भी ऐसे राजकुमारी जैसे पहने हैं, मुख के ऊपर कांति है, ये सब देखा। तो जब भीम नहीं था, कुंती ने पूछा कि भी देव कन्याओं की कांति वाली तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कैसे यहाँ आ गई हो ऐसे घोर वन में, तुम्हारा शुभागमन कुछ कैसे हुआ है, तुम क्या गंधर्व की कन्या हो, क्या अप्सरा हो, क्या हो, मुझे ठीक बताओ किस काम के लिए यहाँ हमारे सामने खड़ी हो, हम तो सो रहे थे, तुम क्यों खड़ी हो चुपचाप जैसे हमारा इंतजार कर रही हो। उसने कहा ये राक्षस, ये वन हिडंब राक्षस का निवास स्थान है, मैं उसकी बहन हूँ, आप मुझे राक्षस राज की बहन समझिए, उस राक्षस ने मुझे आपको और आपके पुत्रों को मारने के लिए भेजा था, उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरता है, लेकिन मैंने आपके महाबाली पुत्र जो एक पांचवा यहाँ बैठा था उसको देखा, देखते ही पति के रूप में वरण कर लिया है। वो कुला बोल देती है को अपने प्रेम का इकरार कर लेती है, शर्माती नहीं, वो कैला बोल देती, राक्षस ही है ना, और तो मैंने उनसे कहा कि चलो आपको मैं उठा कर अन्यत्र भाग चलूं और राक्षस से रक्षा करूं, ना का नहीं, मैं उनको नींद से नहीं जगाना चाहता, वो उस बसिटी लेके वहां लड़ रहे। युधिष्ठिर भीम अर्जुन सब दौड़े वहां, तो जब वहां गए तो अर्जुन ने ऑफर किया, भीम थके हुए लगते हो, मैं करूं मदद, दो चार बाण छोड़ दूं, उन्होंने बोला नहीं चुप रहे, तेरी कोई जरूरत नहीं, तेरा साक्षी भाव से देख मेरी कला, मेरी भूजा में आद आने दे, उसको मैं चटनी बनाता, ऐसी कला नहीं। और युद्ध में भीम गुस्से में आके उसको ऐसा घुमाया और जमीन पर पटक के जो मारा उसके प्राण निकल गए, और जैसे उल्टा पड़ा तो उसको ऐसे करके कमर से तोड़ दिया और मार दिया। इसलिए वो जब मर गया पांडव खुश हो गए और भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने कहा कि इस वन से नगर अब दूर नहीं है, वैसे भी थोड़ा सुबह का समय होने आया है, हम लोग वहां चले जाए ताकि दुर्योधन को पता ना हो सके। सभी ने कहा ऐसा चले, तब जाके कुंती कहती है कि तुम शादी करो, तो कहानी हम अगले हफ्ते आपसे, फिर वही मन में रहते हैं जब तक घटोत्कच का जन्म न हो, फिर आगे चलते हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि अगले हफ्ते मिलेंगे।